लोग सिमिलर राइट्स को इक्वल राइट्स के साथ मिक्सअप कर रहे हैं सिमिलर राइट्स राइट्स को इक्वल के साथ mix up mix up हो कर, रहा है। okay. वो एक डेफिनेशन का मैं समझता हूँ एक बेसिक फ्लॉ है कि जिसको अगर हम क्लैरिफाई uh, करें थोड़ा तो ये डिस्कशन थोड़ी uh, जो है ना इसमें फैसिलिटेट uh, कर सकते हैं हम अगर हम इस पॉइंट uh, को थोड़ा ज़्यादा वाजे करें लोगों के लिए मसलन के इक्वल और सिमिलर में फ़र्क क्या है मतलब वैसे तो हमें पता है कि इक्वल सिमिलर में फ़र्क क्या है लेकिन मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम मार्केट में लेट्स से वेजिटेबल बाय करने जाते हैं तो वो जो uh, दुकानदार है वो एक तरफ वेजिटेबल रखता है और एक तरफ वो वेट रखता है जैसे हम बाट कहते हैं तो आप देखें कि वो दोनों का वज़न बराबर करता है अब वज़न बराबर है लेकिन दोनों तरफ प्रोडक्ट डिफरेंट है राइट तो ये इक्वल है लेकिन सिमिलर नहीं right? है तो इसी तरह विमेन राइट्स मेरी नज़र में इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है हुँ। राइट हुँ। क्यों? हुँ। कि बाय नेचर जो विमेन है उसकी जो फॉर्मेशन है उसकी जो फिज़िकल पावर है उस हिसाब से अगर हम ये कहें कि विमेन को वही राइट्स मिलने चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके साथ थोड़ा जुलम हो जाता है उसकी वजह क्या है कि हम कह देंगे ये जुल्म कैसे हो गया जुल्म ये है कि जब हम लेट से वूमेन राइट्स की बात करते हैं तो उसमें से निकल आता है वेमेन एम्पावरमेंट जब हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वेमेन को वो सारा कुछ करना पड़ता है एम्पावरमेंट का मतलब क्या कि आप अपग्रेड हों वो सारा कुछ करें जो मर्द कर रहा है तो अब राइट जो है हमेशा एक ड्यूटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है मसलन एक गाँव है उसमें आप कहते हैं कि मर्दों को जॉब की इजाज़त है औरतों को नहीं है तो मर्द के पास राइट अगर है तो मर्द उसकी सुबह नाइन टू फाइव ड्यूटी भी करता है नहीं, नहीं। अब आप कहते हैं कि नहीं लेडीज को भी ये राइट होना चाहिए ओके फाइन अब आपने लेडीज को भी उस गांव में राइट दे दिया जॉब करने का नाइन टू फाइव अब लेडी को आपने राइट दे दिया तो साथ ड्यूटी भी लगा दी कि आपने नाइन टू फाइव मर्द के ना जॉब करनी और उसके साथ जो नेचर ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि उसने माँ भी बनना है हुँ, हुँ, तो आपने राइट के नाम पर इक्वल राइट right के नाम पर बेसिकली आपने उसको इक्वल ड्यूटीज दे दी है राइट इक्वल राइट उसका ये है कि उसका पहला सबसे बड़ा राइट right है रिस्पेक्ट राइट दैट इज द बेसिक एंड बिगेस्ट राइट वो उसको रिस्पेक्ट मिले वो उसको घर में बैठ के मिले वो एज अ वाइफ मिले एज अ सिस्टर मिले एज अ एनी रिलेशन जो भी औरत का है किसी के साथ वो उसको मिलने चाहिए तो हो ये रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि अगर हम औरत को वही सिमिलर सिमिलर राइट्स दे देंगे इक्वलिटी के नाम पर तो क्या होगा कि औरत जो है एम्पावर्ड हो जाएगी एक्चुअली क्या हो रहा है कि औरत के ऊपर डबल ड्यूटी हम डाल है, रहे हैं okay. तो अगेन इक्वलिटी और सिमिलैरिटी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है मैं ये समझता हूँ कि हर माशरा इवन ईस्टर्न माशरा भी इस पूरी तरह हक़ में है कि औरत के राइट अगर कहीं पे वेट किया जाए हर राइट को एक नंबर दे दिया जाए एक वेटेज दे दी जाए और वो बराबर रखे जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस चीज़ से इनकार करता है कि इसके राइट इक्वल नहीं होने चाहिए प्रॉब्लम कहाँ आती है जहाँ हम मुख्तलि तबक़ात के पास जाके जब सिमिलर राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ फिर कन्फ्लिक्ट आता है राइट तो विदाउट गिविंग एनी ओपिनियन फ्रॉम आवर साइट कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में जब हम कहीं किसी सोसाइटी में जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं या पढ़े लिखे एरियाज़ में जाते हैं डिफरेंट क्लासेस को जब हम टच करते हैं तो वहाँ पर सेंसिटिविटी इक्वलिटी की नहीं है वहाँ सेंसिटिविटी सिमिलरिटी की है हुँ, हुँ। राइट हुँ। अब अभी तक साइंस या दुनिया का कोई भी माशरा या औरत से माँ बनने का हक या फर्ज इसे आप फर्ज कह लें ड्यूटी कह लें इजी राइट एक हुँ, बड़ा हुँ, बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल चैलेंजिंग प्रोसेस है बहुत मुश्किल क्या वो हम औरत से ले सके हैं कि उसको मर्द के बराबर ड्यूटी दे सके राइट right? नहीं लेकिन ड्यूटी सारी दे दी है कि आपने जॉब भी करनी है आपने काम भी करना है आपने अर्न भी करना है और फिर उसके साथ साथ आपके अंदर खुदा ने एक बाई नेचर माँ वाला दिल डाला हुआ है राइट भले बाप उसका रात को आके बेटे को संभाले जो करे लेकिन जो माँ के अंदर वो फीलिंग्स डाली हैं उसको तो आप रिमूव नहीं कर सके तो मेरे हिसाब में इक्वेलिटी और सिमिलरिटी की कन्फ्यूजन ने इस टॉपिक को जैसे आपने शुरू में कहा था कि इसको एक कॉन्ट्रवर्शल टॉपिक बना दिया